हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा सेमीकंडक्टर का चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी टर्म्स थी, जो टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट कर लिए थे। सेमीकंडक्टर में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो शुरू हो चुका था पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि हमारे पास एक पी जंक्शन होता है, एक पी सेमीकंडक्टर होता है, एक एन सेमीकंडक्टर होता है, और जब आप इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो आपके पास एक न्यू टर्म निकल के आती है जिसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। जब हमने पी एन जंक्शन को बहुत डिटेल में देखा था तो हमने सीखा था कि पी एन जंक्शन बनाते टाइम जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड या कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज, बैटरी या सेल आप उसमें नहीं कनेक्ट कर देते, तब तक आपका जो जंक्शन रहता है वो एक बैरियर बना देता है, एक हमारे पास लेयर बना देता है जिसका नाम होता है पोटेंशियल बैरियर या फिर डिप्लीशन लेयर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म थी हमारे लिए। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पीएन जंक्शन का जो हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल तैयार करके बता दिया था। देन उसके बाद हमने शुरू किया था बायसिंग। बायसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, और बायसिंग क्यों करते हैं क्योंकि ये रीज़न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड। तो मैंने आपको बताया था जो बायसिंग होती है उसका मतलब होता है कि पीएन जंक्शन में कोई भी या तो एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दो, पोटेंशियल दे दो, सेल लगा दो, बैटरी लगा दो, एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, ये सारी की सारी टर्म हमें बताती हैं कि बायसिंग लगी हुई है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी कनेक्शन सर्किट में नहीं है तो वो अनबायसिंग है, अगर कनेक्शन है तो वो आपकी बायसिंग है। ये सब कंप्लीट करने के बाद जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था वो था हमारी फॉरवर्ड बायसिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बायसिंग दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है आपकी रिवर्स। फॉरवर्ड में कंप्लीट करा चुकी हूँ, आज हम करने वाले हैं रिवर्स। आप अगर कभी ये सोचते हो, मैं कभी भी जब भी कोई वीडियो शुरू करती हूँ तो पहले लास्ट वीडियो का क्यों जिक्र करती हूँ, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग, जैसे कोई भी गेम खेलने से पहले, जो हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं उनको खेलने से पहले हमें वार्म अप कराया जाता है, सेम ऐसा ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लगे, मूड थोड़ा होने लगे पढ़ने का, आपको याद आए कि लास्ट वीडियो में ऐसा हुआ था, ये सब हमने पढ़ा था, ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो रिकॉल होना शुरू हो जाता है। और उससे फायदा क्या होता है कि आप आज जो करने वाले हैं उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और पीछे का कनेक्शन है इससे, इसलिए ये बताना जरूरी होता है। तो इस पे भी आप थोड़ा सा फोकस करके चलिए। तो चलिए फिर अब विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और टॉपिक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टॉपिक का नाम है रिवर्स बायसिंग। बायसिंग का मतलब तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि हमारी जो बायसिंग होती है उसका मतलब होता है एक्सटर्नल वोल्टेज या फिर हमारा पोटेंशियल, सेल, बैटरी अप्लाई करना, ये सब हमारी बायसिंग होती है। फॉरवर्ड में हमने देखा कि आगे सीधी सीधी जब हम बायसिंग करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो इस तरह की बायसिंग को नाम दिया जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। आज जो हम करने वाले हैं वो रिवर्स बायसिंग है। और रिवर्स से आप क्या समझते हैं, उल्टा। रिवर्स से क्या मतलब होता है, उल्टा। जब हमने फॉरवर्ड किया था तो उसमें हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा था, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा था। तो आज क्या है खास, रिवर्स में क्या होने वाला है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे नई नई चीजें हमें सीखने को मिलेगी, सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। बस आप तैयार रहिए, बिल्कुल अपनी नोटबुक और पेन को तैयार कर लीजिए। मेरी भी शस्त्र अस्त्र मेरे हाथ में है, बिल्कुल एकदम रेडी हूँ मैं भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग करने से पहले मैं सबसे पहले तो डायग्राम बनाना चाहूंगी, क्योंकि रिवर्स बायसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले रेडी करना होगा अपना कंप्लीट पीएन जंक्शन। तो मेरे पास आज स्पेस यहाँ पे कम है क्योंकि आज लिखने का कुछ ज्यादा ही हो गया है, पर कोई बात नहीं, इतनी बात पक्की है इसके बाद कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, बस आप लोग रेडी रहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बना रही हूँ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना जरूरी है। आपको अपनी नोटबुक में ऐसा ही बनाना है, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं नाम दे देती हूँ पी टाइप,
आप पूरा लिख लीजिएगा अगर आपके पास स्पेस हो, क्योंकि आपको तो पूरे पेज पे बनाना है ना। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और ये एन टाइप क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं बाइसिंग करने के लिए या कोई भी कुछ भी करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमने एक सबसे पहले पी लिया, फिर एन लिया, फिर उसको जोड़ दिया। तो रिवर्स बाइसिंग में आप चाहें तो सबसे पहले ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेड अ पी एन जंक्शन बाय द हेल्प ऑफ पी सेमी बाय द हेल्प ऑफ जॉइनिंग पी सेमी कंडक्टर एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर टूगेदर। तो हमने इनको जोड़ दिया। और एक टर्म जो आपको हमेशा इसमें याद रखनी है, चाहे वो पी एन जंक्शन हो या आपको अदर टॉपिक कर रहे हो उसमें, कि हमारा जो पी टाइप सेमी कंडक्टर होगा उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होंगे, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जब भी हम पी एन जंक्शन शो करते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे फोकस करना। तो आप चाहें तो साइड में लिख के भी आ सकते हैं, इन पी टाइप सेमी कंडक्टर, इन पी टाइप सेमी कंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो इसमें मेजोरिटी कौन कौन से हैं, होल्स हैं, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं हमारे, इसमें माइनॉरिटी है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारी बात हो गई किसके, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मैं बात करूं एन टाइप की, तो जो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी कौन से होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। तो ये चीजें आपको लिख के आनी है, ये ऐसे ही नॉर्मली नहीं होती हैं, ये आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगी। जब आप ये बनाएंगे तो उसके ऊपर या इसके नीचे, इस डायग्राम के ऊपर, इसको बनाने से पहले या डायग्राम बनाने के बाद आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि पी टाइप में कौन सा मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी कौन से हैं, और एन में कौन से मेजोरिटी है, कौन से माइनॉरिटी है। अब ये जब चीजें हमें पता लग गई हैं, तो अब हमें क्या करना है, जस्ट हमारे माइनॉरिटी और हमारे मेजोरिटी चार्ज को शो करना है। कैसे शो करते हैं, अगर पी टाइप है, पी टाइप में मेजोरिटी कौन से होते हैं, पी टाइप में मेजोरिटी होते हैं हमारे होल्स, तो सबसे ज्यादा तो आप क्या बना देंगे, इसमें होल्स बना देंगे कुछ इस तरह से, ओके। तो ये हमारे मेजोरिटी हो गए। अगर आपको माइनॉरिटी बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, होल्स माइनॉरिटी होते हैं, तो डार्क सर्कल जब आप बना देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसमें होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है एंड आपके इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर की, कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। जब हम लोग एन की बात करते हैं तो हमारे पास जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप सबसे ज्यादा क्या बना देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बना देंगे कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, फिल कर दिया, क्योंकि हमारे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और माइनॉरिटी कौन से होते हैं, होल्स। तो ये मैंने क्या बना दिए, होल्स बना दिए। ये हमारा पी एन जंक्शन बिल्कुल तैयार है। और हमें एक चीज और पता है कि हम जैसे ही पी और एन को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक होल्स और इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल पास पास है जंक्शन के, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और हमारे यहाँ पे बन जाता है क्या, एक बैरियर। और इस बैरियर का नाम होता है पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसको नाम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है, यानी कि पी एन जंक्शन रेडी है हमारे पास। जस्ट हमें अब क्या करना है, इसकी बाइसिंग करनी है, और वो बाइसिंग भी कौन सी होने वाली है, रिवर्स बाइसिंग। तो मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ पे, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ये जंक्शन है, ये किस तरह से हमारा रिवर्स बाइसिंग होगी।
बहुत इजी होने वाला है। सिर्फ क्या करना है, आपको एक सर्किट लेना है पी साइड से और एक सर्किट लेना है आपको यहां से एन साइड से, ठीक है। तो अब हमें इसकी बायसिंग करनी है। बायसिंग का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल, सेल, बैटरी, ये सब आपको क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। तो कौन सा अप्लाई होगा, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको फॉरवर्ड बायसिंग कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें हम सेल यूज करते हैं। क्यों करते हैं, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक जो सेल होता है वो ही जंक्शन को तोड़ देता है। तो हमें यहाँ पे एक एक चीजें फोकस करके चलनी है, एक एक बातें बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ पे क्यों और क्या क्या यूज हुआ है। तो हम लोग इसको वन बाय वन करेंगे। उससे पहले आप सबसे पहले तो इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपको अगर ये वाली जो डायग्राम है यहाँ तक समझ में आ गया है, दैट्स मीन अब आपके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। अब हमें जस्ट क्या करना है, हमारी थ्योरी को मैचअप करना है हमारे डायग्राम के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे, हेडिंग होगी हमारी रिवर्स बायसिंग, ठीक है। क्या हेडिंग होगी हमारी, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है, द पीएन जंक्शन डायोड सेट टू बी रिवर्स बायस्ड। एक पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस्ड कहलाएगा जब इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी मैं बस यहां से लेके यहां तक की बात कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि आपका जो पीएन जंक्शन है उसको रिवर्स बायस्ड तब कहा जाएगा जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के, देखिए यहां पे एक बार जरा फोकस करिएगा, मतलब यहां पे बोला गया है कि जो आपकी बैटरी है, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग कराई थी तब मैंने आपको लिखवाया था ए सेल कनेक्टेड टू पीएन जंक्शन टू फॉर्म अ फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि आपको जो बायसिंग करनी है वो रिवर्स करनी है। तो रिवर्स करने के लिए आप सेल का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बैटरी का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे बैटरी कनेक्टेड टू, ये लाइन आप पहले लिखेंगे, कनेक्टेड टू पीएन जंक्शन टू बायस्ड, फॉर बायस्ड, बायसिंग करने के लिए फॉर बायस्ड। बायसिंग करने के लिए पीएन जंक्शन को एक बैटरी से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये पॉइंट करने के बाद आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट डालेंगे, आप चाहें तो या थ्योरी में ही लिख सकते हैं कि ये बैटरी जुड़ेगी कैसे। ये तो फाइनल हो गया कि बैटरी जोड़नी है। बैटरी क्या होती है, जब आप बहुत सारे सेल्स को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपकी बैटरी बन जाती है। तो ये जो बैटरी है इसको लगाना कैसे है, हमने कहा कि बैटरी कनेक्ट करनी है, ओके है, लेकिन इस बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो भैया नाम ही क्या है इसका, रिवर्स बायसिंग। तो हम इसमें उल्टी बायसिंग करेंगे। उल्टी का मतलब पॉजिटिव है, पी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव से कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो ये बैटरी की नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एक साइड आपका नेगेटिव और एक साइड क्या हो गया आपका पॉजिटिव। ये चीजें समझ में आई आपको, पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम समझ में आया कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे पी को कनेक्ट किया है नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने किसको कनेक्ट किया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई कि जैसे ही आपने जो बैटरी है उसको पीएन जंक्शन से कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे अब ये पीएन जंक्शन कैसा बायस्ड हो गया, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको सिंपली इसको रिवर्स बायस्ड करना है, सिर्फ
नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से। तो देखिए उल्टा हो गया ना। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ था बताओ? फॉरवर्ड बायसिंग में सिंपली एक काम किया था, क्या? कि फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट था, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट था, और रिवर्स में क्या हुआ? रिवर्स में नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? आसान है ना, बिल्कुल इजी है ना रिवर्स बायसिंग करना। ये अभी आपको याद रखना है। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि रिवर्स बायसिंग करते कैसे हैं, रिवर्स बायसिंग होती कैसे है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि रिवर्स बायसिंग के बाद क्या होता है, आई मीन टू से क्या मिलेगा हमें, क्यों करते हैं रिवर्स बायसिंग। और आपको जानकर इतना ज्यादा आश्चर्य होगा कि रियलिटी है क्या ये, सच्ची में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी जब आप इनके एप्लीकेशंस देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड से ज्यादा रिवर्स बायसिंग का यूज होता है। और जबकि अभी आप देखो इसमें क्या फिनोमिना होगा, अलग ही हो रहा है सब कुछ। उसमें तो जंक्शन टूट जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, सारे इलेक्ट्रॉन होल्स मिल जाते हैं। अब जब आप इसका देखोगे ना कि इसमें कैसा सिस्टम होता है, तो आपको बड़ा ही मतलब हिल जाओगे आप लोग। तो इतना समझ में आया, सबसे पहले हमें बायसिंग करनी है, नाम है उसका रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले हमने बता दिया बैटरी कनेक्ट करनी है, बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है वो हमने यहाँ पे इसमें बता दिया है। तो अब हमें जस्ट क्या करना है, ये जानना है कि आफ्टर बायसिंग क्या होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर बायसिंग, इस लाइन के पहले, इस लाइन के पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली है। आप यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर बायसिंग, क्या हमने जो ये बायसिंग की है, इस बायसिंग के बाद क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए ये, बहुत ही ध्यान से। अब मैं चाहूंगी कि आप कुछ देर के लिए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखें, पूरा अपना टोटल जितना भी है माइंड, सारी चीजों को भूल कर माइंड में जो भी है, जो भी चल रहा है। अभी तो हमें मैथ्स करनी है, अभी तो हमें केमिस्ट्री करनी है, केमिस्ट्री की क्लास लेनी है, किसी की भी लेनी है, खाना खाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि अब आप देखेंगे सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, सब कुछ उल्टा उल्टा होगा, क्योंकि नाम ही क्या है रिवर्स, सब कुछ रिवर्स चलेगा, कुछ भी सीधा सीधा चलेगा ही नहीं। तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपनी जो क्यूरियोसिटी है जानने की, उसको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा और पूरा का पूरा फोकस यहाँ लाना पड़ेगा। तो देखिए फिर, अब आफ्टर बायसिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे आफ्टर बायसिंग। तो आफ्टर बायसिंग क्या होता है, देखिए The external voltage V, ये हमने जो यहाँ पे वोल्टेज देंगे हम, ये जो हमने बैटरी लगाई है, is connected in direction of potential barrier VB. भाई ये potential barrier ही तो है, ध्यान से देखिएगा एक बार, ये हमारा क्या होता है potential barrier, ये होता है या नहीं होता है, है ना? और potential barrier की भी direction क्या होती है, यहाँ पे positive होता है, क्योंकि electron देते हैं, और electron देते हैं तो उनपे कौन सा साइन आता है, negative साइन आता है, और यहाँ पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, क्योंकि वो लेते हैं, होल्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साइड क्या हो गया पॉजिटिव, इसके साइड क्या हो गया हमारा नेगेटिव। और अगर आप बैटरी का भी देखो तो ऐसे ही तो है, ये वाली साइड पॉजिटिव तो ये वाली साइड भी पॉजिटिव, ये वाली साइड आपकी नेगेटिव तो ये वाला टर्मिनल भी आपका नेगेटिव। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज भी आपने अप्लाई की है वो किसकी डायरेक्शन में है, पोटेंशियल बैरियर की डायरेक्शन में है। देख सकते हो आप, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आगे बोल रहा है दिस पुल मेजोरिटी कैरियर्स द होल्स ऑन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप क्रिस्टल अवे फ्रॉम द जंक्शन। अभी बस मैं यहां से लेके यहां तक की लाइन समझाने वाली हूँ, ठीक है? देखो क्या क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आपका नेगेटिव, तो मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव लिख लू तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये आपका पॉजिटिव, इस सर्किट से मैं यहाँ समझाने के लिए पॉजिटिव कर दू तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि है तो पॉजिटिव ही। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपके होल्स मेजोरिटी है, लिखा भी हुआ है उसमें, पी टाइप में होल्स हमारे मेजोरिटी है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजोरिटी है, और यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ होल्स पॉजिटिव है, तो क्या अट्रैक्ट नहीं होंगे क्या, ये अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, टर्मिनल की तरफ, इस साइड, ये जो सारा का सारा है ये इस साइड आने लग जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे पॉजिटिव और
एन टाइप में मेजोरिटी नेगेटिव, तो अगेन ये वाले भी कहाँ जाने शुरू हो जाएंगे, इधर, यानी कि होल्स नेगेटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। आप जरा मेरे हाथ पे फोकस कीजिएगा। मैंने कहा था कि मान लीजिए मैं जंक्शन हूँ, मेरा कहने का मतलब कि मैं बैरियर हूँ। अभी यहाँ पे बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, और मैंने कहा कि कपल डांस करना है तो आपको पार्टनर्स लेने हैं। तो मैं अगर बैरियर हूँ तो मेरे जो पास वाले हैं वो तो क्या कर लेंगे, अपने हाथों को पकड़ लेंगे। पीछे वाले क्या करेंगे, वो वहां से धक्का देगा। बीच वाले क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के और बिल्कुल यहाँ पे बीच में खड़े हो जाएंगे बैरियर बना के। पीछे वाले कोशिश कर रहे हैं, भाई यहाँ से बॉयज, यहाँ से गर्ल्स कोशिश कर रही है, हम भी करेंगे, हम भी पेयरिंग करेंगे, पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीच में कौन आ रहा है, बैरियर आ रहा है, पोटेंशियल बैरियर आ रहा है। तो क्या होता है अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे हमारे क्या थे, होल्स थे पी साइड में, यहाँ पे हमारे क्या है, होल्स मेजोरिटी है, तो मैं उधर के साइड नेगेटिव चार्ज दे दूं, नेगेटिव टर्मिनल दे दूं, तो जो पहले इधर आने की कोशिश कर रहे थे वो अब किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। ऐसे ही एन टाइप में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या थे, मेजोरिटी। तो अगर मैं उधर के साइड पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो वो मेरे साइड आने के बजाय किधर जाएंगे, उधर के साइड। अब जब होल्स उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो बीच में जो फंसे हुए थे, जिन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, पहले बेचारे ऐसे दबके खड़े हुए थे, लेकिन जब आप जगह बनने लग गई तो ये जंक्शन वाले जो थे, जिन्होंने जंक्शन बनाया था, जिन्होंने बैरियर बनाया था, ये क्या होने लग जाएंगे, ये भी रिलैक्स होने लग जाएंगे। भाई पीछा छूटा, पहले ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था, अब खुलते चले जाएंगे ऐसे। पहले देखो बैरियर इतना था, अब क्या होगा, इतना बैरियर खुलता जाएगा और वो क्या करेंगे, रिलैक्स करने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब ये होल्स इधर चले जाते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, तो जो ये बैरियर है ये इंक्रीज होने लग जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में टूट रहा था, लेकिन इसमें ये क्या करता है, इंक्रीज इंक्रीज होता चला जाता है, यहाँ से भी इंक्रीज 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 होता चला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिले थे, पहले बेचारे दब के बैठे थे, अब इनको फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि पीछे वाले क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं, तो ये वाले क्या करते हैं, खुलना शुरू कर देते हैं, मौज लेना शुरू कर देते हैं और ओपन हो जाते हैं दोनों साइड में। ऐसा कुछ होता है इसमें। तो क्या हो जाएंगे हमारे पी टाइप से, तो होल क्या हो जाएंगे, अवे, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अवे। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन अवे और पी टाइप से होल्स अवे। ये चीजें समझ में आई, यहां से यहां तक की लाइन समझ में आई, श्योर पक्का। अब देखो क्या होता है, दिस इंक्रीज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। भाई मैंने अभी अभी कहा कि ये जो हमारा जंक्शन है, जो डिप्लीशन लेयर है, पहले वो यहाँ थी, अब वो इंक्रीज होते हुए यहाँ आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जंक्शन जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होती जा रही है हमारी, ऐसे बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज हो रही है। द डायोड ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की थी तो हमने देखा था, क्या देखा था, कि उसमें लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत हाई वैल्यू पे करंट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस, ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, करंट अब होगा ही कहाँ से जब रेजिस्टेंस इतना हो गया। इस सेटअप अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या कह रही है, कि जैसे ही होल्स इस तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाते हैं, जंक्शन इंक्रीज होता जाता है, डिप्लीशन लेयर हमारी इंक्रीज होती जाती है, और उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि रेजिस्टेंस तो हो गया है बहुत ज्यादा और करंट हमें मिल ही नहीं रहा है, करंट हमारा जीरो हो गया है, कह लीजिए कि नो करंट फ्लो इन द सर्किट। ऐसा कुछ होता है इस लाइन से इस लाइन के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, जो लाइन है हमारी उसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं आपके जंक्शन से, मतलब जो हमारा यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को आप इसके साथ क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ, देखिए अब नेक्स्ट लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताती है हमारी, यहाँ पे बोला जाता है, व्हेनेवर ए स्मॉल करंट मे बी देयर अक्रॉस द जंक्शन इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इट इज कॉल्ड रिवर्स करंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। ऐसे कैसे, माइनॉरिटी की वजह से कैसे, तो देखो बच्चों, जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की थी तो क्या हुआ था,
फोर्ड बाइसिंग में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ था पी टाइप से और मेजोरिटी क्या थी उसमें होल्स यानी कि पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव वाले की तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ था एन साइड से और उसमें हमारे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो कौन से थे, इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे वो टर्मिनल उन चार्जेस पे फोर्स लगा रहे थे तो वो हमारा जंक्शन कम 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 होता गया और आपस में टूट गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स आपस में मिल गए। यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिले वो और उन्होंने बहुत ज्यादा करंट बनाया। करंट बहुत ज्यादा होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, जबकि अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस तो वहां पे बहुत ज्यादा कम होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि देखो होता क्या है, इस चीज को जरा यहाँ पे फोकस करके चलो आप लोग। हमारे जो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, हमारे यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, होल्स। तो होल्स तो पॉजिटिव है ना, तो वो किसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव की तरफ। ऐसे ही एन टाइप में मेजोरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है हमारा, नेगेटिव। तो यहाँ पे तो टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसके मेजोरिटी चार्ज कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, इधर के साइड। तो हमारा ये बैरियर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। लेकिन आप अगर फोकस करें इन मेजोरिटी में कुछ माइनॉरिटी भी तो है। मान लीजिए हमारे पी टाइप में 100 क्या है, चार्ज है, जिनमें से 95 आपके क्या है, होल है, और आपके 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 95 मेजोरिटी है जो कि होल्स हैं, 5 आपके इलेक्ट्रॉन है जो माइनॉरिटी है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, माइनस साइन, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपके, माइनस। तो कॉमन सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास तो आएगा नहीं, तो ये किस साइड जाता है, ये उस साइड जाता है, जंक्शन के उस पार जाने की कोशिश करता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन एन टाइप में भी अगर आपके 95 तो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, और 5 आपके क्या है, होल। तो आप सोच सकते हैं ये होल पॉजिटिव की तरफ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि होल्स भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किस साइड आने की कोशिश करते हैं, इस साइड। तो आप खुद सोच सकते हो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल्स कितना करंट बनाएंगे, बनाएंगे बहुत कम, नेग्लेजिबल। क्यों, क्योंकि हमारे 95 तो रेजिस्टेंस बना रहे हैं, करंट बना ही नहीं रहे। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि इसमें जो थोड़ा बहुत करंट बनता है, ज्यादा तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आप लिख भी सकते हो इन रिवर्स बायसिंग रेजिस्टेंस इज हाई एंड करंट इज लो। तो अगर यहाँ पे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल रहे हैं तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं, पी टाइप से आपका होल, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप से आपके होल्स। ठीक है, तो ये 5-5 आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाएंगे, आपका करंट बनाएंगे, जो कि बहुत 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 कम मात्रा में होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे उल्टे, मेजोरिटी इधर जा रहे हैं, माइनॉरिटी इधर जा रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो, आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये तो रिवर्स चल रहे हैं, मेजोरिटी इधर माइनॉरिटी उधर, रिवर्स चल रहे हैं। तो इसीलिए तो इसका नाम रिवर्स बायसिंग है, इसीलिए तो इस करंट को रिवर्स करंट कहते हैं, यही तो रीजन है, इसीलिए ही तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अब आपके समझ में आया कि रिवर्स बायसिंग में एक्चुअली में क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं, और कैसे हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पे जो हमारा हो रहा है वो क्या है, हमारी रिवर्स बायसिंग। तो ये आपकी रिवर्स बायसिंग होती है। सबसे पहले जो आप रिवर्स बायसिंग के बारे में डिफाइन करेंगे वो ऐसे करेंगे कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अब दोबारा से वही बात आ गई कि सेल तो हमारे समझ में आ गया था फॉरवर्ड बायसिंग में, कि फॉरवर्ड में सेल की यूज करते हैं, क्योंकि एक सेल सब कुछ तबाह कर देता है, जंक्शन को तोड़ देता है। तो यहाँ पे बैटरी क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल लगाओगे तो देखो ना कितनी मेहनत लगती है खींचने में, ये जंक्शन आएगा कैसे, ये जंक्शन चौड़ा कैसे होगा, इसकी विड्थ इंक्रीज कैसे होगी, डिप्लीशन लेयर कैसे इंक्रीज होगी। तो इसकी ये सब कुछ इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसी बैटरी लगाई जाती है जिसके अंदर दम हो और वो दोनों साइड से जंक्शन को खींच सके, और यहाँ पे जो आपका करंट बने वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बने।
तो यहाँ पे आप ये चीजें फोकस कर सकते हो कि यहाँ पे बैटरी क्यों लगाई गई है, और यहाँ पे बैटरी क्यों और फॉरवर्ड में सेल क्यों। है ना, आसान आया ना समझ में कैसे कैसे हमें सिस्टम करना है, कैसे कैसे हम इसको समझ सकते हैं। बस इसी तरह से आपको समझ के चलना है। तो यहाँ पे आपकी रिवर्स बायसिंग खत्म हो जाती है। इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा फॉरवर्ड है ना, जस्ट उसके सब कुछ उल्टा होता है। फॉरवर्ड में इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो जाता है, जंक्शन टूट जाता है, रिवर्स में आपका ये इंक्रीज होता चला जाता है। बस यही सारा सिस्टम होता रहता है। और दूसरी बात कि हमारा जो ये सिस्टम होता है यहाँ पे, ये क्या काम करता है, ये काम करता है करंट को कम करने का, और रिवर्स बायसिंग मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको हाई कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे यहाँ पे। तो आप एक एक थ्योरी को यहाँ पे लिखेंगे समझते हुए, जैसे मैं आपको कराती हूँ ना, एक लाइन कराई फिर उसका मतलब बताती हूँ, ऐसे ही समझते हुए आप इस डायग्राम को बनाएंगे और करेंगे इस पूरे रिवर्स बायसिंग को अपनी नोटबुक में राइट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स या फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पता 5 नंबर में बाइसिंग ही पूछ ले, आपका 3 नंबर का बाइसिंग पूछ ले, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग मतलब ये है कहने का मतलब कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको सब कुछ। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो क्वेश्चन भाई कैसा भी दे दो, कैसा मतलब कैसा भी दे दो ऐसे कर देंगे। तो चलिए फिर ये टॉपिक तो खत्म हो गया है, अब मैं आपको कराती हूँ सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे सिंबल के बारे में, क्योंकि आपको जब सेमीकंडक्टर मिलेगा तो उसमें आपको सिंबल ज्यादा मिलते हैं बजाय आपको कंप्लीट पीएन जंक्शन दिखाने के। क्योंकि हम जब पीएन जंक्शन को शो करते हैं, चाहे वो आपकी रिवर्स बायसिंग हो चाहे वो फॉरवर्ड बायसिंग हो, वहां पे हमें थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें पी टाइप में भी मेजोरिटी दिखाना, एंड में भी मेजोरिटी, फिर माइनॉरिटी को भी शो करो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको शो करना। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, सिंपली हमें एक आराम से क्या दिया, सिंबल दिया जाता है। सिंबल कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा कि हमें यहाँ पे सिंबल को कैसे शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, सिंबल नोटेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। पहले मैं आपको नोटेशन बता देती हूँ। आपका यहाँ पे एक एरो होता है, कुछ इस तरह का एरो होता है, और एरो के आगे ऐसे एक लगा दी जाती है लाइन, आप देख सकते हो दिख रही है, यहाँ पे एरो होता है और दोनों साइड एक क्या लगा दिए जाते हैं ऐसे लाइन। ये आपका सिंबल नोटेशन होता है। सिंपली बनाऊ तो एक क्या होता है, एक लेटा हुआ ट्राइंगल होता है, उसके आगे एक लाइन लगा दी जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्राइंगल आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें क्या लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, और इस लाइन को दोनों से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, क्योंकि ये सर्किट से भी कनेक्ट होगा ना ऐसे करके। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में आपको पीएन जंक्शन कई बार दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल ऐसे भी क्या लगा सकते हैं, डायोड लगा सकते हैं, या आपके जंक्शन का आपके डायोड का सिंबल है। तो अगर इसको फॉरवर्ड करना है तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो हमने सिंबल बनाया इसमें P कहाँ है और N कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, जो आप ये ट्राइंगल देख रहे हो ये शो करता है आपके P को, ठीक है, और जो आप ये ऑरेंज वाली लाइन देख रहे हो ये शो करता है N को, समझ गए। तो यहाँ पे देखो लाइन भी लिखी हुई है, द एरो इज डायरेक्टेड फ्रॉम द P टू N टाइप सेमीकंडक्टर, P टू N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर कॉल्ड एनोड। ये आपका एनोड होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दूं, और फिर बोल रहा है N टाइप सेमीकंडक्टर कॉल्ड कैथोड, तो आपकी ये वाली साइड क्या हो जाती है, आपकी कैथोड हो जाती है, यानी कि हम इसको नेगेटिव साइन से क्या करते हैं, शो। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमें PN को कंप्लीट दिखाने की जरूरत नहीं है, कि आप लोग P बनाओ, P में मेजोरिटी डालो माइनॉरिटी डालो, N में मेजोरिटी डालो माइनॉरिटी डालो, फिर उसको जंक्शन से कनेक्ट करो, इतनी कुछ मेहनत करने की जरूरत सिंबल की वजह से नहीं होती है। आप सीधा P और N को जोड़ दोगे, दिखा दोगे ये P है और ये N है, और मैं कहूँ कि बाइसिंग करके दिखाओ, बाइसिंग मैं कहूँ पहले फॉरवर्ड करके दिखाओ, तो सिंपली ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दो। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी फॉरवर्ड बायसिंग में तो सेल चलता है, तो ये हमने सेल को क्या कर दिया, पीएन जंक्शन से कनेक्ट। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आप फोकस करें कि अगर मैं एक और पीएन जंक्शन बनाऊं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये जंक्शन बनाया है, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए और एक बैटरी लगा दीजिए, अब ये आपका क्या हो गया है, रिवर्स बायसिंग। यानी कि आप सिंपली विदाउट ये वाला नहीं करने की जरूरत, जैसे कि हम करते हैं ना
ये पी है, ये एन है, फिर इसमें होल्स को दिखाओ, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओ, फिर कनेक्ट करो, फॉरवर्ड करो, रिवर्स करो, ये सारा सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। अब आप यही याद कर सकते हैं कि आपका जो पीएन जंक्शन का जो डायग्राम होता है, इसको डायोड बोलते हैं। देखो दो तरफ बन गई ना इसके, एक ये, एक ये, तो इसको क्या बोलते हैं, डायोड। ठीक है, तो इसको आपका ये पीएन डायोड है, आपका सिंपली डायोड भी बोल सकते हो, डायोड के नाम से ही जान लिया जाएगा। और आपसे यही पूछा जाएगा कि पीएन जंक्शन के डायोड का सिंबल क्या है, क्या इंडिकेट करता है। तो पीएन जंक्शन का जो सिंबल है वो ये है, और क्या इंडिकेट करता है, इसमें जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आपके पी को इंडिकेट करता है, और एन आपका, एन को जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसको इंडिकेट करता है। और जो पी होता है वो आपका एनोड होता है, और जो एन होता है वो आपका कैथोड होता है। तो ये आपका सिंबल होता है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है, ये पूछा भी गया है। जी हाँ, एक नंबर में एक बार ये क्वेश्चन आया था। आपको पता है कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देते हैं, इस तरह से आपको मान लीजिए कोई भी एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, तो आपको जब मान लीजिए ऑप्शन वाला है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए कि इसका सिंबल क्या होगा, तो देखो ऑप्शन ऐसे देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें नेगेटिव लगा देंगे, इसमें पॉजिटिव लगा देंगे, फिर आपसे कह देंगे नेक्स्ट ऑप्शन, फिर यहाँ पे लिख देंगे एन, यहाँ पे लिख देंगे पी, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, और यहीं पे ही लाइन लगा देते हैं, आगे लाइन नहीं लगाते। ये आपका क्या बना देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा वाला सिंबल है, जो आपका ये वाला भी है ऑप्शन में, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से पीएन जंक्शन का सिंबल कौन सा है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है, समझा है, सिर्फ पढ़ा पढ़ा नहीं है, समझा है, उनको पता है कि ट्रायंगल वाला पी होता है, और ये लाइन वाला एन होता है, और पी वाला पॉजिटिव होता है, एन वाला नेगेटिव होता है, यानी कि कैथोड और एनोड वाला काम बच्चों को जिनको याद रहता है वो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जिन्होंने नहीं किया, नहीं समझा, वो इस 1 मार्क्स को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आज हमारे दोनों टॉपिक फिनिश हो गए हैं। पहला मैंने आपको रिवर्स बायसिंग बताया, रिवर्स बायसिंग में आपने क्या देखा, रिवर्स बायसिंग में हमें सीखने को मिला कि उसमें जो भी सिस्टम होता है वो सारा का सारा रिपीटेड, मतलब एकदम रिवर्स होता है आपके फॉरवर्ड बायसिंग के। फॉरवर्ड बायसिंग में आपका जो मेन लाइन आपको याद करनी है वो ये है कि उसमें जो करंट होता है वो तो बहुत कम होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पहली लाइन। दूसरी, जो थोड़ा बहुत करंट बनता भी है उस जंक्शन में, वो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है, मेजोरिटी की वजह से नहीं बनता है। तीसरी लाइन, आप लोग हमेशा रिवर्स बायसिंग में बैटरी का यूज करते हो, क्योंकि सेल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस जंक्शन को चौड़ा कर सके, उसको इंक्रीज कर सके, उसकी विड्थ को इंक्रीज कर सके। ये चीज समझ में आ रही है आपको, पक्का श्योर? फोर्थ लाइन, कि हमारा जो रिवर्स बायसिंग होती है उसमें जो विड्थ होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये 4 लाइंस। और आप फिफ्थ जो आपको सबसे पहले करनी है, कि रिवर्स बायसिंग में जो आप बैटरी यूज करते हो उसमें आप पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। तो ये सारा का सारा आपका रिवर्स बायसिंग थी। और पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो तो आपको समझ में भी आ गया, और उसको किस तरह से आपको कनेक्ट करना है रिवर्स बायसिंग में और फॉरवर्ड बायसिंग में, वो भी मैंने आपको समझा दिया। किस तरह से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इस क्लियरिटी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी रिवर्स बायसिंग फिनिश हो गई है, फॉरवर्ड फिनिश हो गई है, लेकिन अभी इनके करेक्टरिस्टिक्स रह जाते हैं। मैंने फॉरवर्ड वाले की करेक्टरिस्टिक्स करा दी थी, रिवर्स की नहीं कराई थी। एक बार मैं दोनों की ही साइड बाय साइड आपको रिवर्स बायसिंग में और फॉरवर्ड बायसिंग में करेक्टरिस्टिक्स करा दूंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर आप उन दोनों को कंपेयर भी करोगे और देखोगे कि रियलिटी में बहुत ही डिफरेंट तरह की जो होती है हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है। करेक्टरिस्टिक्स को आप ग्राफ भी बोल सकते हो, सिंपली VI ग्राफ बोलते हैं उसको, वोल्टेज करंट ग्राफ। हमें देखना है कितने वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो, और कितना करंट आपको रिवर्स में मिल रहा है, और कितना करंट आपको फॉरवर्ड में मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार होके आइएगा। और आप एक बात मैं पहले ही बता दूं, फॉरवर्ड और रिवर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग आती होगी, क्योंकि
क्योंकि अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग नहीं आती तो भूल जाइए कि आप लोग करेक्टरिस्टिक्स कर पाओगे। तो अच्छा होगा सबसे पहले आप अपनी नोटबुक को ऑन करें, सारे नोट्स बनाएं, एक बार उसको रीड कर लें, देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसको अटेंड करें, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह जितना भी अब तक काम कराए ना, सारे नोट्स बना के प्रिपेयर करके अच्छे से बैठ जाना, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा टास्क आपको देके जा रही हूँ, अच्छे बच्चों की तरह अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर आपने अब तक वीडियोस तो देखी हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई कर दो। आपका सब्सक्राइब करना, आपका वीडियो को लाइक करना मुझे मोटिवेट करेगा, मेरा मन करेगा बच्चों को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाऊँ और ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा उत्साह मेरा भी बढ़ाओ। जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश आ रही है, तो चलिए फिर पकोड़े तैयार करते हैं और पढ़ना भी है, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।